हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मामा बेबी। होप यू गाइस आर फाइन। बच्चों में इनिशियली कुछ इयर्स में, स्पेशली इनिशियल कुछ मंथ्स में गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है, एकदम कॉमन प्रॉब्लम है। और कुछ बच्चों में तो ये रेगुलर बेसिस में भी देखी जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके ऑर्गेन्स अभी डेवलप हो रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम बच्चों को इस टाइम पे मेडिकेशंस दें, वो भी ऐसी रेगुलर बेसिस की प्रॉब्लम्स के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी वो रीजंस जिनके वजह से बच्चों को ये गैस की प्रॉब्लम होती है और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सी मदर्स ऐसी होती हैं जिनके पास कोई एडल्ट अवेलेबल नहीं होते उन्हें होम रेमेडीज़ बताने के लिए, या वो फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं, न्यू मॉम्स होती हैं, उन्हें बहुत ज़रूरत है ऐसी होम रेमेडीज़ की, ऐसी इन्फॉर्मेशन की जो बेबी की प्रॉब्लम से रिलेट हैं। इसीलिए आपका अपना मामा बेबी, इंडियाज़ नंबर वन फ्री पेरेंटिंग चैनल, यहाँ पे अवेलेबल है। वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, बच्चों की प्रॉब्लम से रिलेट सारी इन्फॉर्मेशन, सारे सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे, और सारी एडवाइजेज फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड स्टडीज़ हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को हिट करके इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और इन वीडियोस को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने नेबर्स में, अपने नोन में, अपने रिलेटिव्स में, जो भी मॉम्स हैं, न्यू मॉम्स हैं, उन तक ये वीडियोस ज़रूर पहुंचाइए, ताकि इन वीडियोस में बताई गई इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशन के थ्रू उनकी हेल्प हो सके। बच्चों में इनिशियली कुछ मंथ्स में, स्पेशली 3 मंथ से पहले कोल्ड एंड कफ एंड गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों में कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम के लिए मैं अपकमिंग डेज में वीडियो बनाकर अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगी। फिलहाल बच्चों की गैस की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। बच्चों की जो गैस की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा मेजर हो जाती है बहुत बार, और ये होती बहुत छोटे छोटे रीजंस की वजह से। अगर हम उन रीजंस का ही ध्यान रखें तो बच्चों की गैस की प्रॉब्लम शायद बच्चों में ऑन रेगुलर बेसिस ना हो, क्योंकि बच्चों में ऑन एंड ऑफ होती ही रहती है। तो वो रीजंस क्या हैं जिनके वजह से बच्चों में गैस की प्रॉब्लम होती है? सबसे पहला बर्पिंग, क्योंकि हम बच्चों को बहुत बार फीडिंग कराने के बाद बर्प नहीं करवाते हैं, और बच्चों में जो फीडिंग के थ्रू एक्सेस एयर चली गई है वो बच्चों में गैस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसीलिए बच्चों को आपको हमेशा बर्प करवाना चाहिए। सेकंड, कई बार बच्चे को हम बॉटल से फीडिंग देते हैं और बॉटल का जो निपल का साइज़ है वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ा बड़ा होता है, और उस बड़े निप्पल से फीडिंग लेने की वजह से बच्चे के मुंह में मिल्क के साथ साथ एयर भी चली जाती है, और वो बच्चे के गैस का रीज़न बनती है। कई बार हम बच्चे को बॉटल से फीडिंग देते समय बॉटल को अच्छे से शेक करते हैं, ताकि शायद दूध ठंडा हो जाए या कोई भी रीज़न होता है। हम देखेंगे जब हम बॉटल को ऐसे शेक कर रहे हैं तो उसमें थोड़े थोड़े बबल बनने लगते हैं, एक्चुअली वो बबल एयर के होते हैं, और वही एयर जब बच्चे की फीडिंग लेते समय बच्चे के माउथ के थ्रू टमी में जाती है तो बच्चे में गैस क्रिएट कर देती है। इसके अलावा बहुत बार बच्चे जल्दी जल्दी फीडिंग लेते हैं, बच्चे बहुत देर से भूखे होते हैं और उन्हें फीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो जल्दी जल्दी फीडिंग लेते हैं। जल्दी जल्दी फीडिंग लेने की वजह से बच्चों के माउथ के थ्रू एक्सेस गैस बच्चे के टमी में चली जाती है और बच्चों में गैस्ट्रिक हो जाता है। बहुत बार हम बच्चों को ब्रेस्टफीड सही तरीके से नहीं करवाते। ब्रेस्टफीड की भी एक राइट पोजीशन होती है और बहुत सी मदर्स को ये पता नहीं होता। हम बच्चों को सही तरीके से सही पोस्चर में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देते और उस वजह से भी एक्सेस गैस अंदर जाने की वजह से बच्चों में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बार बच्चे फीडिंग लेते लेते सो जाते हैं, हम नोटिस करते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 महीने के, वो उन्होंने फीडिंग लिया, ब्रेस्ट फीड किया, उसके बाद वो सो गए, उनका माउथ ओपन है और हमें पता ही नहीं चलता कब उन्होंने फीडिंग लेना स्टॉप कर दिया। और क्योंकि बच्चों ने फीडिंग लेना स्टॉप कर दिया बट उनका माउथ ओपन है, तो उसके थ्रू एक्सेस गैस अगेन उनके टमी में जाके गैस का रीज़न बनती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मदर का ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं बन रहा होता है या कम बन रहा होता है, और बच्चे ब्रेस्ट मिल्क लेने के बाद क्योंकि मिल्क आ नहीं रहा है, बच्चे माउथ ओपन करके उसको सक कर रहे हैं बट क्योंकि मिल्क नहीं आ रहा है और एक्सेस गैस बच्चों के टमी में चली गई और गैस का रीज़न बन गई। तो यही सब रीज़न्स होते हैं जिनके वजह से बच्चों में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, और क्योंकि हम इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, इनका ध्यान नहीं रख पाते, तो वो ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, ऑन एंड ऑफ रेगुलर बेसिस में बच्चों में चलती रहती है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, क्या हम वो क्या सॉल्यूशन करें जिनसे हम घर पर ही इसको ट्रीट कर सकें। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आपको बच्चे को बर्प ज़रूर कराना है। बर्पिंग टेक्निक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की हुई है,
आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी बच्चे को पप कराने के लिए। तो जब तक बच्चे ने खाना लेना स्टार्ट नहीं किया, यानी बच्चा 6 मंथ प्लस नहीं है, तब तक हमें बच्चे को पप ज़रूर करवाना है। और बच्चे की पप के लिए बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि बच्चा अगर गोदी में सीधा रहकर पप नहीं कर रहा है तो मैं कैसे पप करवाऊँ। आप किसी और तरीके से भी बच्चे को पप करवा सकते हैं, बट हर फीडिंग के बाद बच्चे को पप ज़रूर करवाएं। सेकेंड, आप बच्चे के बॉटल का साइज़ हमेशा बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही लें। बच्चे के एज के अकॉर्डिंग मार्केट्स में बच्चों के बॉटल्स मिलते हैं, तो हमेशा एक्यूरेट साइज़ की बॉटल लें अपने बच्चे के लिए, ताकि बच्चे में गैस की प्रॉब्लम ना हो। बच्चे की बॉटल को कभी भी फीडिंग देने से पहले शेक ना करें, शेक करने की वजह से उसमें बबल गैस बन जाती है, जो बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। तो कभी भी शेक ना करें बॉटल को, ये ध्यान रखें। आप बच्चे को एक सही पोस्चर में, एक सही पोजिशन में ही फीडिंग दें जब ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं। और ध्यान रखें, अगर बच्चे ने फीडिंग लेना बंद कर दिया है तो आप बच्चे को उस समय फीडिंग से हटाकर उसको बब करवा के सुला दें। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बच्चे के लिए सफिशियंट है या नहीं। ये बात की हमने उन सॉल्यूशंस की जिनके वजह से बच्चों को गैस की प्रॉब्लम होती है। अब अगर बच्चे को गैस हो गया है तो हम घर पर ही उस गैस को कैसे रिलीज करें, उनके बारे में बात करते हैं। इसकी सबसे पहली होम रेमेडी है हिंग। हिंग को आपको हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर बच्चे की नेवल में और नेवल के आसपास के एरिया में अच्छे से लगा देना है, और इसे छोड़ देना है अगले 5-10 मिनट के लिए। आराम से बच्चे की 5-10 मिनट बाद गैस रिलीज हो जाएगी। ध्यान रहे, जब हिंग आप बच्चे के नेवल में या आसपास लगा रहे तो हिंग बिल्कुल ठंडी ना हो, क्योंकि आपने उसे गुनगुने भर पानी में घोला है, तो हल्की गुनगुनी ही होनी चाहिए, इतनी गुनगुनी कि बच्चे की बॉडी उसको अडॉप्ट कर पाए, उससे ज़्यादा गर्म ना हो। आपको इस तरह से हिंग का लेप बच्चे के नेवल में और आसपास लगाना है, बच्चे की गैस आराम से 5-10 मिनट रिलीज हो जाएगी। दूसरा सॉल्यूशन है टमी मसाज। टमी मसाज आप बच्चे को दें, वो गैस रिलीज करने में काफ़ी हेल्प करती है। इवन आपको बच्चे को मसाज ज़रूर देनी चाहिए बच्चे को इनिशियली कुछ मंथ्स में, काफ़ी अच्छी रहती है बच्चे की बॉडी के लिए, उसकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। और टमी मसाज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे की गैस की और अदर टमी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चे को टमी मसाज ज़रूर दें। जब गैस का प्रॉब्लम हो गया तब तो दें, उसके अलावा भी जब आप बच्चे को दिन में एक बार या दो बार मसाज दें तो बच्चे को टमी मसाज ज़रूर करें। थर्ड है एक्सरसाइज। आप बच्चे को एक्सरसाइज कराइए, बच्चे के लेग्स को ऊपर की तरफ लेके जाइए, फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर ले जाइए, फिर नीचे लाइए। इससे बच्चे की ऑटोमेटिकली धीरे धीरे गैस रिलीज हो जाएगी। आप बच्चे को टमी पे लिटाकर भी गैस रिलीज करवा सकते हैं। आप बच्चे को 1 से 2 मिनट के लिए उसके टमी पर लिटा दीजिए, पर ध्यान रहें कि बच्चे की नोज़ उस टाइम पे ब्लॉक ना हो, इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। और अपनी सुपरविज़न में बच्चे को इस तरह से लिटाइए। इसे हम टमी टाइम भी कहते हैं। टमी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। जब बच्चे 3 मंथ्स में एंटर कर जाते हैं, हमें बच्चों को 1 से 2 मिनट और धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर टमी टाइम देना चाहिए। बच्चों की पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। यही सब होम रेमेडीज़ हैं जो आप बच्चों के लिए कर सकते हैं बच्चों की गैस रिलीज़ करने के लिए। और इनमें से कोई भी एक होम रेमेडी आपके बच्चे को ज़रूर सूट करेगी, क्योंकि ये सब बच्चों के केस में ऑलमोस्ट जो पेरेंट्स हैं या एडल्ट्स हैं वो यही होम रेमेडीज यूज़ करते हैं। अब क्योंकि आपका बच्चा खाना खाने लग गया है, 6 मंथ प्लस है, तो आप बच्चे को प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हैं। आप बच्चे को दही दे सकते हैं। दही भी काफ़ी हेल्प करता है बच्चों की गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, गैस को रिलीज करने में। ये सब हमने जाने सॉल्यूशन, उपचार जो हम लोग कर सकते हैं बच्चों को होम रेमेडीज़ घर पर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट अगर आपके बच्चे में गैस की प्रॉब्लम बढ़ गई है या इन रेमेडीज से सॉल्व नहीं हो रही है, जो कि शायद 1 या 2% ही होता है, तो आप बच्चे को क्या मेडिकेशन दे सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं डॉक्टर के केस में, क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि गैस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है ये सब करने के बाद भी, जो कि 1 या 2% होता है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें कौन सा मेडिसिन देंगे इसके लिए, तो डॉक्टर जनरली हमें इसके लिए कॉलीमैक्स ड्रॉप्स देते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है बच्चों की गैस को रिलीज़ करने के लिए। मुझे भी अंश के केस में यही ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब की थी डॉक्टर ने। ये कॉलीमैक्स ड्रॉप से काफ़ी हेल्पफुल होती है गैस को रिलीज़ करने में। आपको इसको बच्चे को 4 से 5 ड्रॉप ट्वाइस इन अ डे देना है, बच्चे की गैस आराम से रिलीज़ हो जाती है। ये वाली मेडिसिन हम बच्चों को टीथिंग के टाइम में, या बच्चों को स्टमक एक हो रहा है, या बच्चों को कोई और प्रॉब्लम हो रही है टमी के से रिलेट, तो भी हम बच्चों को दे सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होती है ये कॉलीमैक्स ड्रॉप्स। मेरे केस में मैं अंश को ये देती थी जब कभी कभी ये प्रॉब्लम होती थी। बट प्लीज़ डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए बिना ये मेडिसिन बिल्कुल मत लीजिएगा, ये अंडर डॉक्टर सुपरविज़न ही होनी चाहिए। तो पहले अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही ये ड्रॉप्स बच्चे को दीजिए। अब अगर आप एलोपैथी
होम्योपैथिक छोड़कर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी बिलीव करते हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स के लिए. तो वो लोग आपको इसके लिए ग्राइव वाटर की एडवाइस देंगे, क्योंकि ग्राइव वाटर जड़ी बूटियों से बना है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो वो भी बच्चों की पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है. बट कभी भी कोई एलोपैथिक डॉक्टर आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करेंगे, और मैं भी पर्सनली आपको कभी इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अपने केस में अंश को कभी ग्राइव वाटर नहीं दिया, ना उसके टीथिंग के फेस में दिया. लकीली मेरे अंश का टीथिंग का फेस काफ़ी अच्छा चला मेरे होम रेमेडी से ही, तो मैंने कभी अंश को ग्राइव वाटर या जन्म घुट्टी नहीं दी उनके लिए, और मैं उनके फेवर में भी नहीं हूँ. आप देना चाहते हैं, आपके होम्योपैथिक डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो आप दे सकते हैं ग्राइव वाटर, बट नेचुरल है, अच्छा है, बट ट्राई कीजिए, इग्नोर कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है. तो यही सब चीज़ें जो आप कर सकते हैं बच्चों की गैस की प्रॉब्लम के लिए. आई होप मैंने इसमें आपको वो सारी डिटेल बताई हैं जिनसे आपको अपने बच्चों में होने वाली गैस के रीजंस और उसके सॉल्यूशंस डिटेल्स में ज़रूर पता चले. अगर वीडियो आप अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. पर्सनली ये चाहती हूँ कि ये वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मॉम्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचे, ताकि इन वीडियोज़ के थ्रू उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो. थैंक यू. स्पून हटाओ.